पब्लिक पुलिस एसोसिएशन हमीरपुर ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में पब्लिक पुलिस एसोसिएशन द्वारा पहल करते हुए आयुर्वेदिक चौक पर दो सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया है। सीसीटीवी कैमरे के स्थापित होने पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की, इन कैमरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एसपी रमन कुमार मीना, आईपीएस आकृति शर्मा, पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद, महासचिव राजीव पुरी, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, अनिल सोनी, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंद सिंह, अजय पुरी, नेकराम इत्यादि मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने पीपीए की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के साथ पीपीए अच्छा काम कर रही है और यह कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आए दिन क्रिमिनल कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है, तो ये सीसीटीवी कैमरे क्राइम रोकने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। आज ये एचपीपीए द्वारा बहुत ही बढ़िया हमीरपुर शहर के लिए जो इन्होंने शुरुआत की है, और जो इस चौक पे जो हॉस्पिटल का चौक है, यहाँ पर दो कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और जैसे डे बाई डे क्राइम बढ़ रहा है और आजकल क्रिमिनल इतना तेज हो गया कि अपना वो एविडेंस नहीं छोड़ता है, तो नेचुरली क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभियान है। और मैं चाहूँगा कि हमीरपुर शहर में जो मेन जगह हैं, जैसे ऊपर गांधी गेट है, ऊपर गांधी चौक है, नीचे बस स्टैंड है, और परे जो भोटा चौक है जहाँ ज़्यादा रश रहता है, एनआईटी के करीब है, ऊपर हीरा नगर है, इन मेन जगहों के ऊपर हर जगह अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएँ तो क्राइम में भी कमी आएगी। और जो क्रिमिनल जो क्राइम करने के बाद भागने की कोशिश करते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, अंट्रेस जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस को इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। बहुत अच्छा काम है और मैं ये चाहूंगा कि ये हर जगह भी जो है कैमरे लगने चाहिए। वहीं कोषा अध्यक्ष मुनीश पुरी ने बताया कि पीपीए ने दो कैमरे इंस्टॉल किए हैं और यह हाईटेक कैमरे हैं जो कि रात के समय में भी गाड़ियों की आवाजाही के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस का भी पीपीए के साथ पूरा सहयोग है, जिससे काम करने के लिए और प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए, पीपीए ने आज कैमरे इंस्टॉल किए हैं। इसका मेन पर्पज यही रहेगा कि रात को दिन में कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई वारदात होती है, तो उस पर नजर रहे। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी हिट करके रन भाग जाती है, तो उसकी नंबर प्लेट इस पे आ जाएगी, हमें नंबर पढ़ने में आसानी होगी, ट्रैक करने में, लोकेशन में हमें आसानी होगी। इन कैमरों का फायदा ये है कि इसमें आपका हॉस्पिटल का चौक सारा जो है कवर हो रहा है, ऊपर के साइड बाजार वाला साइड भी ये कवर हो रही है, और इसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा है। और पीपीए हमेशा इसी तरह पुलिस को और सहयोग देती हुई आगे बाजार में और कैमरे लगाने के लिए तत्पर है। भी एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीना ने कहा कि पीपीए का बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे क्राइम को रोकने के लिए सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीपीए सदस्य पुलिस के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और जिससे पुलिस को काफी सहयोग मिल रहा है। ये पीपीए का एक बहुत अच्छा प्रयास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछले दिन हमने एक मुहिम शुरू की है, इस शहर में जो भी इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर भी हम कैमरे इंस्टॉल कर सकें या और ऐसे कार्य जिनमें पीपीए का सहयोग रह सके, तो उन कार्यों में भी हम आगे और अच्छा करेंगे। आज ये जो कैमरे लगाए हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया में हॉस्पिटल के आसपास का बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर ये कैमरे हमको कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, इन चीज़ों को संभालने में सहयोग करेंगे। और इसमें माननीय एमएलए साहब का भी बड़ा सहयोग रहा है, तो ये हमारी तरफ से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही पीपीए से मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्राइम को कम करना, बाकी नशे मतलब गाड़ियाँ ऐसे भाग रही हैं, इसके बीच में तो पूरा नंबर आ जाएगा ना इसका। अभी तो जनाब सूर्य शुरुआत ही है, अभी लगना और बाकी है, इसके ऊपर तीसरी अंक है।